हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस हम हैं अभी चंस्कार और ये है रंगदुम। रात को हमने यहीं स्टे किया था और लेट हो गए थे, हम 8:30 बज गए थे और किसी तरह हमने होम स्टे ढूंढा क्योंकि रात को कोई लोग बाहर घूमते नहीं हैं। एक आदमी नज़र आया, उससे पूछा तो उसने बताया कि भी यहाँ पे होम स्टे हैं, तो हम आके स्टे किया। नींद बहुत बढ़िया आई। रूम का अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अंदर के घर बहुत गर्म होते हैं इनके, बाहर सुबह हमने देखा तो चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई थी, तो इसका मतलब माइनस में टेम्परेचर होगा कम से कम। तो हमारे भाई लोग ये जो को राइडर थे रात को हमारे साथ रुके थे दूसरे रूम में, और ये यूपी से हैं, टीचर हैं, तो ये भी घूम रहे हैं जंस्कार और लद्दाख। भाई प्लेटिना 100 पे आए हैं और वो है होंडा की कौन सी बाइक है पता नहीं। तो ये जा रहे हैं अभी पदुम को, हमारी ये दो बाइक खड़ी हैं, हम भी बस रेडी हो रहे हैं। मैं तो नहा धो के तैयार हो गया हूँ, तैयार इन द सेंस बस अभी हमने अपने राइडिंग जैकेट और पैंट पहननी है। अभी भाई नहाएंगे तो अभी भी आधा पौना घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा मैक्सिमम हमें निकलते। अभी ये ब्रेकफास्ट भी करना है तो ब्रेकफास्ट करते हैं, और इनका जो हमने डिनर किया वो भी बहुत बढ़िया था, मज़ा। घर का खाना तो अच्छा होता ही है। तो यही प्रोग्राम है, आज पदुम जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे जो भी लोकल प्लेसेस हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं कल का क्या सीन होगा, वो आपको अपडेट कर देंगे। तो गाइस वी आर रेडी टू राइड और सब पैक हो चुका है, हमारे पीछे बाइक रेडी है। तो हमने कार्ड ले लिया है और ये है नुनकुम होम स्टे रंगदुम में। तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर रंगदुम आए तो बहुत ही बढ़िया है इनका होम स्टे, और लगभग 1000 रुपये मांगेंगे तो 700-800 में दे देते हैं, और खाना भी बहुत बढ़िया है। टोटल मेरा 1150 में विद डिनर विद ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया, हमारा मज़ा आ गया। और अब निकल रहे हैं हम अपना पदुम की तरफ, और बीच में पेंजिला पास आएगा उसको एक्सप्लोर करेंगे, और ड्रैंग ड्रूम ग्लेशियर जो इंडिया का सबसे बड़ा जो आंखों से देखा जाता है हमारा जो बिल्कुल सामने है वो दिखाई देगा, ये अचीवमेंट होती है ये चीज़ें देखने। तो वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे, और एक एक सुंदर सा गांव भी है, नीचे उतरते ही कह रहे हैं कि गांव भी जरूर देखना, बहुत ही खूबसूरत गाँव है। तो ये सब चीज़ें हम इतनी दूर 1000 मील दूर लगभग हो गए होंगे मेरे 1500-2000 किलोमीटर हो गए होंगे, इतनी दूर चल के आए हम देखने के लिए। तो बने रहना यार, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, लास्ट तक स्किप मत करना। एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, यहाँ का रूट दिखाएंगे और गांव दिखाएंगे, यहाँ के विलेज कैसे हैं, आप देखना मज़ा आ जाएगा। और आज का स्टे हमारा पदुम में है, पदुम में भी एक्सप्लोर करेंगे हम। ये हमारा होम स्टे था जहाँ हमने स्टे किया रात को, नुनकुम होम स्टे। तो 11:18 हो गए, आज बहुत रिलैक्स था पूरा, बड़े आराम से उठे, आराम से चले, खाया पिया, नहीं तो अभी तक बहुत भागा दौड़ी हो रही थी, सुबह जल्दी उठो भागो, रात को देर से सो। आज तो हमने कहा भाई आराम से रिलैक्स से ही अपना करेंगे सारा काम। तो बहुत ही बढ़िया है रंगदुम, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो निकलते हैं अब धीरे धीरे। ओके भाई बाय। तो ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, ये सामने हाईवे आ गया हमारा, ये रहा हाईवे। और यहाँ बहुत लिमिटेड है घर, और ये स्टार्टिंग में ही है नुनकुम होम स्टे। इसका मैं जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अगर आना चाहें तो आके सीधा रह सकते हैं, बहुत बढ़िया है, फ़ोन करके आप पहले बुक करा ले। सीज़न में कई बार दिक्कत हो जाती है, नॉन सीज़न में तो जब मर्जी आओ आप। और एक दिक्कत है कि सुबह लाइट चली जाती है, शाम को लाइट आती है यहाँ पे। तो ये ब्यूटीफुल यहाँ पे रिवर, जंस्कार रिवर निकल रही है बिल्कुल मेरे राइट हैंड से, पीछे पूरी जंस्कार रिवर है। और ये आप देख रहे हैं रंगदुम आरोग्य परम धाम,
सब मिट्टी के घर हैं, अंदर तो इतनी गर्मी होती है मज़ा आ जाता है। ला हिमालय होम स्टे एंड कैंप, तो अंदर जाके भी है ये ला हिमालय होम स्टे एंड कैंप, ये सारे कैंपिंग है। अगर कैंपिंग करना चाहें तो ये सारे स्तूपाज हैं। कल यहाँ तक हम आए थे, आगे देखा घर ही नहीं है और चार पांच घर थे, हम तो फिर वापस गए। ओहो, तो आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बने रहना मेरे साथ। बहुत ही बढ़िया व्यू है, आपको ग्लेशियर दिखाएंगे, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, पेंजिला पास है, एक बढ़िया गांव है, तो बहुत कुछ है देखने को आज। पदुम जलस्कार की कैपिटल। तो ये पहाड़ी पे आप देख रहे हैं, ये मोनेस्ट्री है रंगदुम की, और उसका रास्ता आगे से जाता है, और ये पहाड़ी के ऊपर बनाई हुई है मोनेस्ट्री। और जितनी भी आप मोनेस्ट्री देखेंगे हमेशा टॉप पे है, किसी भी माउंटेन के टॉप पे होगी, उनको एकांत चाहिए। और तासी आगे नेक्स्ट विलेज आएगा जो 2 किलोमीटर है, और जलस्कार आई थिंक 140 किलोमीटर होगा। अभी आएगा कोई माइलस्टोन तो मैं देख के बताता हूँ आपको। और ये व्यू देख लीजिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जलस्कार वैली का व्यू है ये। ये चारों तरफ माउंटेन, स्नोई माउंटेन। अभी तो बहुत स्नो मिलेगी, इस समय आएंगे तो आप एक हफ्ते के अंदर आ जाते हैं तो बढ़िया स्नो मिल जाएगी आपको, क्योंकि धूप बहुत तेज है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आप सनस्क्रीन जरूर लेके आना, यहाँ इतनी तेज धूप है ना कि आपकी स्किन बर्न हो जाएगी बाहर निकलते ही, इतनी तेज है। लोकेशन डाली थी गूगल, हमें यहाँ ला के छोड़ रहा था ताशी में। तो रंगदुम आप गूगल पे डालोगे तो वो रंगदुम पहले आ जाता है, लेकिन ताशी गांव आपको शो करेगा रंगदुम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे होम स्टे बहुत कम है, अगर स्टे करना है तो पीछे ही आपको स्टे करना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। जलस्कार 118 किलोमीटर है अभी, तो एक नया आयरन ब्रिज बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ आई थिंक, और हम अभी पुराने ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं। और नीचे देखिए जलस्कार रिवर फ्लो कर रही है। अभी तो ये बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, देखो कब बन के तैयार होता है, लग जाएंगे 2-3 साल अभी। और कल मैंने आपको दिखाया था नुनकुम ग्लेशियर, और आज मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो यार बहुत ही गजब का है वो ग्लेशियर। और कहते हैं कि वहाँ 2 माउंटेन है, एक नुन माउंटेन, एक उसकी सिस्टर कुन माउंटेन, उसके बीच में है वो बहुत बड़ा ग्लेशियर। और आज तक जो भी उस पर गया ग्लेशियर में वापस नहीं आया, ये बताते हैं वहाँ के लोकल। फॉरनर बहुत आते थे और काफ़ी लोगों की वहाँ पे कैजुअल्टी भी हुई है, तो अब कोई नहीं आता वहाँ पे, तो इतना डेंजरस है वो नुनकुन जो ग्लेशियर है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो पिछली नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, वो तो हमें बाई चांस मिल गया था, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे एक ग्लेशियर और है। दूसरा ग्लेशियर हमें नेक्स्ट मिलेगा ड्रैंग ड्रोंग ग्लेशियर, वो भी बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है, तो आपको दिखाएंगे, बहुत ही शानदार होगा। और इससे पहले पेंजिला जो माउंटेन है उसके पास को क्रॉस करेंगे, अब हम इंक्लाइन शुरू हो गई है हमारी पेंजिला के लिए। व्यू देखिए यार, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, माउंटेन के बीच से भी एक छोटी सी रिवर आ रही है, तो ये पूरा स्नोई माउंटेन है। एक बहुत खूबसूरत व्यू के लिए मैं रुक गया हूँ, ये देखिए कितने ऊंचे पहाड़ है। कपिल भाई पीछे रह गए, तभी मैं थोड़ा ब्रेक ले लें। तो गाइस हम आ गए हैं पेंजिला पास, ये देखिए शांति स्तूपा, और बहुत ही छोटा पेंजिला पास है, और इसका कोई बोर्ड भी नहीं लगा, कोई हाइट भी नहीं लिखी। तो गाइस वी आर रीच्ड इन पेंजिला पास, ये सामने है पेंजिला पास जो बुद्धा स्टैचू बना हुआ है, ये लिखा हुआ लेबर शेड पेंजिला, और यहाँ प्रेइंग फ्लैग लगे हुए हैं। तो ये व्यू है कुछ ऐसा पेंजिला से, सामने देखिए
जस्का रिवर, और ये हमारी KTM ADV हीरो एक्सपल्स पहुंच गए हैं पेंजिला। वाओ, तो अब थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे फिर निकलेंगे आगे। आगे निकल गए हैं हम, अब ड्रैंगडुंग ग्लेशियर देखने को मिलेगा हमें। पदुम है 82 किलोमीटर, और उसके बाद हम जाएंगे शनि लेक देखने, जो लास्ट ईयर हम गए थे शनि लेक जब मैंने जंस्कार किया था। और ये देखिए स्नोइंग माउंटेन, कितनी स्नो है अभी पूरा। एक महीने बाद आएंगे तो सब ब्राउन नज़र आएगा, अभी वाइट दिख रहा है फिर ब्राउन नज़र आएगा आपको। थोड़ा सा आगे आते ही एक ये व्यू पॉइंट आया है, तो इसके अंदर जाके देखते हैं। ये देखिए एक लेक, ये फ्रोजन लेक, एक ये लेक है फ्रोजन लेक। यहाँ पे पूरी लेक्स हैं। हो यहाँ से व्यू देखते हैं पीछे का। हाँ, अमेजिंग व्यू है यार, ये देखो ग्रेट।